गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं ले रही हूँ सुबह सुबह सन बाथ। वाइटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी देर सुबह सुबह ज़रूर बैठे धूप में। और मैं साथ में ले रही हूँ ए फ्रेश लेमन फ्लेवर, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं लेती हूँ। और जो मुझे जेन्युइन लगता है मैं ज़रूर बताती हूँ आपको, भी रिकमेंड करती हूँ चीज़ के लिए। और साथ में ले रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट, जो मैंने रात को भिगो कर दिया था। वेट तो ए फ्रेश लेने के बाद वर्कआउट ज़रूर करें, आधा घंटा 15-20 मिनट जितना भी आपको सूटेबल लगे। आप डांस कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या फिर आप वॉक कर सकते हो आधा घंटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंडेटरी उसी से वेट लॉस जल्दी होगा, अच्छा होगा। एंड जिसके पास ए फ्रेश नहीं है तो वो उसकी जगह ब्लैक कॉफ़ी ले सकता है। तो मैं ले रही हूँ हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन, आप इसकी जगह ओट्स ले सकते हो या फिर म्यूसली ले सकते हो, ओवरनाइट भी होके, ठीक है। एंड आफ्टर वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेकफास्ट लेना, तो इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो भाई आज मेरी लाइट नहीं आ रही थी, मैं जैसे तैसे पानी गर्म करा गैस पर भी मैं ना के आई हूँ, नाते में बहुत अच्छी लगी भूख, तो मैं अपने लिए ले आई एक ऑरेंज और हाफ एप्पल। तो आप ही कोई भी सीजनल फूड भी खा सकते हो, वरना ये भी खा सकते हो। तो जी लंच का टाइम हो गया, लंच मेरा बहुत ही यानी नॉर्मल है। गाजर मटर की सब्ज़ी है, दही है जिसमें जीरा डाला हुआ है, सैलेड में टमाटो है, आज मेरे पास और कोई सैलेड ऑप्शन नहीं था, और एक मैंने ली है चपाती। आप सब्ज़ी कोई भी ले सकते हो, ठीक है, पर उसमें आलू नहीं होना चाहिए, और बहुत ही कम ऑयल से सब्ज़ी बनी हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे। तो आप लंच में और भी कोई ऑप्शन करना चाहते हो तो आप और कुछ भी खा सकते हो। तो शाम के बज रहे हैं 5 और सबको इस टाइम होने लगता है कि चाय पिए या फिर कुछ और, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप या तो ग्रीन टी लें या फिर एफ्रेश बना लें अपने लिए। तो मैंने अपने लिए एफ्रेश बनाया है, और मैंने साथ में स्नैक्स में लिया है मखाना, जिसको मैंने कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट किया है, मैंने घी नहीं डाला। अगर आप चाहें तो आप घी डाल के भी खा सकते हैं। सो ये हो गया है मेरा डिनर रेडी, मैंने बनाया है वेजिटेबल सूप, और सीरियसली बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। मेरे को ऐसी ही कंसिस्टेंसी पसंद है, अगर आपको थोड़ा मतलब गाढ़ा या पतला पसंद है तो आप अपनी चॉइस से बना सकते हो। तो सूप कब पीने का मज़ा आता है, गरम गरम, तो आप भी पिए और अपने घर वालों को भी पिलाएं। और सीरियसली बताऊँ बहुत ही यम्मी बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अभी के लिए गुड नाइट, होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा।